द नॉर्थमैन 2022। दोस्तों, आज हम 2022 में रिलीज हुई फिल्म द नॉर्थमैन को एक्सप्लेन करेंगे, जिसे रॉबर्ट एगर्स ने डायरेक्ट किया है। ये कहानी एक ऐसे राजकुमार के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने ही चाचा से अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। तो चलिए जानते हैं क्या राजकुमार एमलेट का बदला पूरा हो पाएगा या नहीं। कहानी की शुरुआत नॉर्थ अटलांटिक के राफसी आइलैंड से होती है, जहां 895 एडी का समय दिखाया जाता है। फिल्म की शुरुआत में राफसी आइलैंड के किंग ऑरवंडिल एक जंग को जीतकर अपने राज्य वापस आते हैं, जहां प्रिंस एमलेट, इनकी मां क्वीन गुडरान और पूरा राज्य किंग ऑरवंडिल का स्वागत करता है। किंग ऑरवंडिल अपने बेटे को देखकर काफी खुश होते हैं और शाम की एक सभा के दौरान किंग प्रिंस एमलेट को एक सिल्वर नेकलेस पहनाकर अपना सक्सेसर घोषित कर देते हैं। इसी सभा में किंग अपने भाई फियनर की जंग में वीरता से लड़ने के लिए तारीफ भी करते हैं। इसके बाद रात के समय किंग अपनी पत्नी यानी क्वीन गुडरन को बताते हैं कि जंग में उन्हें काफी चोट पहुंची है, जिस कारण वो अपने बेटे प्रिंस एमलेट को अब अपने राज्य की जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्वीन इस बात के लिए राजी नहीं थी। उनका मानना था कि राज्य की जिम्मेदारी के लिए प्रिंस एमलेट अभी काफी छोटे हैं, पर किंग और वंडिल अपने डिसीजन पर बने रहते हैं और प्रिंस एमलेट को अपनी गद्दी सौंपने से पहले एक खानदानी रिचुअल को करने की तैयारी करते हैं। अगले दिन किंग प्रिंस एमलेट को लेकर एक मंदिर में जाते हैं, जहां किंग एक समय पर खुद अपने पिता के साथ आते थे। इसके बाद प्रिंस एमलेट और किंग मंदिर के अंदर प्रिंस हेमिर से मिलते हैं। हेमिर को देखते ही किंग और प्रिंस भेड़ियों की तरह के सामने जाते हैं और खूब तेज तेज चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद हेमिर आगे के रिचुअल्स को पूरा करने के लिए किंग और प्रिंस से बातें करता है, जहां वो एमलेट को बताता है कि उसकी डेस्टिनी फिक्स है। वो अपनी डेस्टिनी से कभी भाग नहीं सकता, लेकिन अगर एमलेट ने कभी भी अपनी डेस्टिनी से भागने की कोशिश की तो उसे पूरी जिंदगी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। रिचुअल्स के आखिरी में प्रिस्ट एमलेट से किंग के घाव को छूने को कहता है। इस घाव को छूते ही एमलेट को एक सपना आता है, जहां वो खुद को एक किंग के रूप में देखता है। इसके बाद किंग और एमलेट मंदिर से बाहर आते दिखाए जाते हैं, लेकिन तभी किंग को एक के बाद एक कई तीर लगते हैं। एमलेट ये देखकर डर जाता है और एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप जाता है, जहां वो देखता है कि उसके फादर को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी की चाचा फियनर है। फियनर किंग को बड़ी ही बेरहमी से मारने के बाद अपने सिपाहियों को एमलेट को जान से मारने के ऑर्डर देता है, लेकिन एमलेट एक सिपाही की नाक काट कर भाग कर अपने राज्य में पहुंचता है। राज्य में भी फियनर ने पूरी प्रजा को मारना शुरू कर दिया था। एमलेट यहां देखता है कि फियनर ने उसकी माँ को भी बंदी बना लिया है, और तभी वहां एक सिपाही आकर फियनर से डर के मारे झूठ कहता है कि एमलेट भागते भागते समुद्र में गिर गया और उसकी मौत हो गई। ये सुनकर एमलेट सीधे समुद्र किनारे जाकर एक नाव के जरिए वहां से बहुत दूर जाने लगता है, पर जाते समय वो चीख चीख कर खुद से ये वादा करता है कि वो अपनी माँ को बचाने और अपने पिता का बदला लेने वापस जरूर आएगा। नेक्स्ट सीन में सालों बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ एमलेट अब एक काफी स्ट्रॉन्ग और एडल्ट इंसान बन चुका है। एमलेट अब एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा है जो जल्लादों की तरह इंसानों को मारते हैं, जंगलों में रहते हैं और खून और मांस खाते हैं। ये ग्रुप रशिया के छोटे मोटे कबीलों पर हमला करके उन्हें लूटता है और उनकी जगह पर कब्जा कर लेता है। इस बार भी ये ग्रुप एक कबीले पर हमला करता है और वहाँ के सभी बच्चों को जिंदा एक कमरे में बंद करके जला देता है। एमलेट भी अपने ग्रुप का पूरा साथ देता है, लेकिन एक रात एमलेट को कबीले के मंदिर में एक औरत मिलती है जो फ्यूचर देखना जानती थी। इस औरत की दोनों आंखें फूटी हुई होती है। ये औरत एमलेट को याद दिलाती है कि वो अपनी किस्मत से नहीं भाग सकता, उसे अपने पिता की मौत का बदला लेना ही होगा और इस बदले को पूरा करने के लिए एमलेट को एक तलवार का सहारा लेना होगा जो काफी ताकतवर है। ये कहकर वो औरत वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन एमलेट को अपने ग्रुप के एक मेंबर से पता चलता है कि वो इस कबीले के लोगों को किसी और को नहीं बल्कि उसी के चाचा फियनर को बेच रहे हैं। लेकिन फियनर अब कोई राजा नहीं है, उसने अपने राज्य को युद्ध में खो दिया था। इस वजह से फियनर अब आइसलैंड में एक शिप फार्मर के तौर पर रहता और काम करता है। ये जानने के बाद एमलेट डिसीजन लेता है कि वो अपने पिता की मौत का बदला जरूर लेगा,
जिसके लिए वो सबसे पहले अपनी वेशभूषा एक स्लेव की तरह बना लेता है और उस बोट में जाकर बैठ जाता है जिसमें सभी स्लेव्स को आइसलैंड ले जाया जा रहा था। इस बोट में एमलेथ ओल्गा नाम की एक लड़की से मिलता है जो खुद को एक जादूगरनी बताती है। ओल्गा ये बात अच्छे से जानती थी कि एमलेथ कोई स्लेव नहीं है, लेकिन वो एमलेथ से वादा करती है कि वो किसी को इस बात की भनक भी नहीं होने देगी। जिसके बाद फियोनियर के फार्म जाते समय एमलेथ ओल्गा को सब सच बता देता है कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेने और अपनी माँ को बचाने आया है। इसके बाद स्लेव्स का पूरा ग्रुप फियोनियर के फार्म पहुंचता है, लेकिन फियोनियर सबको वीक कहकर खरीदने से मना कर देता है। जिसके बाद एमलेथ अपनी ताकत दिखाने के लिए गुस्से में चिल्लाता है और फियोनियर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। फियोनियर एमलेथ को देखकर पहचान नहीं पाता और उसे अपने साथ रखने को तैयार हो जाता है। यहाँ फियोनियर ओल्गा की सुंदरता को देखते हुए उसे भी खरीद लेता है। फियोनियर के फार्म में एमलेथ से खूब काम करवाया जाता है और एक दिन कामकाज के दौरान वो अपनी माँ को फियोनियर के साथ देखता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने फियोनियर से शादी कर ली है। एमलेथ को ये देखकर काफी दुख होता है और वो ओल्गा को बताता है कि उसने सालों बाद अपनी माँ को देखा, लेकिन वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद रात के समय एमलेथ चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकलता है और एक फीमेल फॉक्स को देखकर उसका पीछा करने लगता है। वो फॉक्स उसे एक राक्षस तक ले जाती है जो पहले से ही एमलेथ और उसके मकसद को जानता था। राक्षस एमलेथ की मदद करता है और एक स्काल के जरिए एमलेथ की हेमिर से बात करवाता है। हेमिर वही पुजारी है जिसने एमलेथ के राजा बनने के सभी रिचुअल्स को पूरा किया था, लेकिन फियोनियर ने हेमिर को भी मार दिया था जिस कारण हेमिर एमलेथ की मदद करना चाहता था। बातचीत के दौरान हेमिर एमलेथ को एक खतरनाक तलवार के बारे में बताता है जिससे वो अपने पिता का बदला ले पाएगा। हेमिर की सारी बातें सुनकर एमलेथ तलवार लेने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन तलवार हासिल करने के लिए एमलेथ को एक राक्षस से लड़ना पड़ता है, लेकिन लड़ाई में एमलेथ जीत जाता है और तलवार को हासिल करके उसे फार्म में छिपा देता है। अगले दिन फियोनियर के और दूसरे फार्म के बीच एक खेल होता है जिसके लिए एमलेथ को भी प्लेयर के तौर पर सिलेक्ट किया जाता है। इस खेल को देखने के लिए काफी भीड़ इकट्ठी होती है जिसमें फियोनियर का पूरा परिवार भी शामिल था। ये खेल काफी खतरनाक था, इसमें हारने वाला सीधा अपनी जान गंवा रहा था। खेल के आखिरी में एमलेथ और दूसरे टीम का एक प्लेयर ही बचा था, लेकिन जब एमलेथ हारने लगता है तो फियोनियर का सबसे छोटा बेटा गुन्नार मैदान में उतर जाता है और ऑपोजिट टीम का प्लेयर गुन्नार पर हमला कर उसे जान से मारने ही वाला होता है कि एमलेथ बीच में आ जाता है और अपने ओपोनेंट को जान से मारकर गुन्नार को बचा लेता है। गुन्नार की जान बचाने के लिए फियोनियर का बड़ा बेटा थोरिर एमलेथ को इनाम के तौर पर ओल्गा के साथ कुछ समय बिताने का मौका देता है। साथ ही वो एमलेथ को सभी स्लेव्स को कमांड करने की ड्यूटी भी सौंपता है। एमलेथ उस रात को ओल्गा के साथ समय बिताता है और अपने आगे के प्लान के बारे में उसे बताता है। प्लान के हिसाब से एमलेथ हर रात चोरी छिपे एक एक करके फियोनियर के लोगों को मारने लगता है। सबसे पहले एमलेथ थोरिर के दो दोस्तों को अपना शिकार बनाता है और रात के अंधेरे में दोनों को मारकर उनकी लाश दीवार पर टांग देता है, जिसके बाद अगली सुबह थोरिर अपने दोस्तों को मरा हुआ देखकर हंगामा कर देता है। पर तभी एक औरत वहां आती है और सबको बताती है कि इन दोनों की मौत एक शक्तिशाली तलवार से ली गई है जो किसी शक्तिशाली आत्मा का ही काम हो सकता है। वो फियोनियर से कहती है कि उन्हें एक बलि देनी होगी जिससे उनके फार्म में शांति बनी रहे। उस औरत के कहने पर रात के समय एक लड़की की बलि का इंतजाम किया जाता है। एमलेथ उस लड़की की जान बचाकर फियोनियर के ही एक आदमी की बलि चढ़ा देता है। फियोनियर इस बात से काफी डर जाता है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कर कौन रहा है, जिस वजह से अगले दिन सभी स्लेव्स को रात भर जगकर पहरा देने को कहा जाता है। रात के समय ओल्गा सभी के खाने में एक पॉइजनस दवा मिला देती है जिसे खाकर सभी लोग ओल्गा के वश में आ जाते हैं और खुद को ही मारने लगते हैं। ऐसे में एमलेथ मौके का फायदा उठाते हुए अपनी माँ गुडरन के कमरे में जाता है और उन्हें सब सच बताता है कि वो उनका बेटा एमलेथ है और वो गुडरन को फियोनियर की कैद से बचाने आया है। लेकिन तभी गुडरन एमलेथ को बताती है कि वो कभी भी एमलेथ और उसके फादर से प्यार नहीं करती थी। इवन गुडरन तो एमलेथ के फादर की स्लेव थी, जिस वजह से गुडरन और फियोनियर ने मिलकर एमलेथ के फादर को मारने का प्लान बनाया और पूरा राज्य
अपने कब्जे में कर लिया। एमलेथ को यह सब जानकर काफी गुस्सा आता है, लेकिन गुडरन एमलेथ से कहती है कि अगर एमलेथ ने फियनिर और उसके बेटे को मार दिया तो वो एमलेथ की रानी बनकर उसके साथ रह सकती है। पर एमलेथ अपनी माँ की ये बात सुनकर काफी गुस्से में आ जाता है और वहां से जाकर सीधे थोरिर को जान से मार देता है और उसका दिल काट कर अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह फियनिर अपने बेटे की लाश को देख कर काफी इमोशनल हो जाता है, लेकिन गुडरन उसे समझाती है कि वो ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकता, उसे एमलेथ को जान से मारना होगा क्योंकि ये सारा काम किसी और का नहीं बल्कि एमलेथ का ही है। गुडरन की बात सुनकर फियनिर गुस्से में एक एक स्लेव का गला काटने लगता है, लेकिन जैसे ही ओल्गा की बारी आती है तो वो रुक जाता है और उससे एमलेथ के बारे में पूछता है, पर ओल्गा कुछ बताने को राजी नहीं होती और तभी वहां एमलेथ आकर ओल्गा की जान के बदले खुद को फियनिर के सामने सौंप देता है, जिसके बाद फियनिर ओल्गा को जाने का मौका देता है और एमलेथ को काफी बुरी तरह से टॉर्चर करना शुरू कर देता है। फियनिर एमलेथ को जान से मारने से पहले अपने बेटे थोरिर का अंतिम संस्कार करता है, जहां वो एक लड़की की बलि देकर एमलेथ को जान से मारने आता है, लेकिन तब तक एमलेथ वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। दरअसल फियनिर के एब्सेंस में कुछ कौवे आकर एमलेथ की रस्सी खोल देते हैं, जिसके बाद ओल्गा आकर घायल एमलेथ को अपने साथ ले जाती है। फियनिर जब देखता है कि एमलेथ भाग चुका है तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और एमलेथ को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। वहीं दूसरी ओर एमलेथ डिसाइड करता है कि अब वो किसी से कोई बदला नहीं लेगा और ओल्गा के साथ कहीं दूर जाकर अपना घर बसाएगा। ओल्गा भी एमलेथ के इस डिसीजन से काफी खुश थी, लेकिन जब दोनों एक बोट से ऑर्कनी आइलैंड्स जा रहे होते हैं तो एमलेथ को दोबारा से एक विजन दिखाई देता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ओल्गा प्रेग्नेंट है और उसके एक नहीं बल्कि दो बच्चे यानी ट्विन्स होंगे, जिनमें से एक बच्चा अपना एक अलग राज्य बनाएगा और राजाओं वाली जिंदगी जिएगा। एमलेथ अपने बच्चों के बारे में जानते ही डिसाइड करता है कि वो फियनिर को हर हाल में जान से मारकर ही चैन लेगा, क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो एमलेथ के बच्चों की जान को खतरा रहेगा। हालांकि ओल्गा एमलेथ की बातों से सहमत नहीं होती और उसे वापस जाने से रोकती है, लेकिन एमलेथ ओल्गा की एक बात भी नहीं सुनता और पानी में छलांग लगा देता है। इसके बाद एमलेथ वापस फियनिर के फार्म में आता है और एक एक करके सभी को जान से मारने लगता है। इस दौरान वो फियनिर की कैद से सभी स्लेव्स को भी आजाद कर देता है, पर तभी वो एक कमरे में जाता है जहां उसकी माँ और उनका छोटा बेटा गुन्नार मौजूद होते हैं। एमलेथ को देखते ही गुडरन उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन सेल्फ डिफेंस में एमलेथ अपनी माँ और गुन्नार को मार देता है। तभी फियनिर वहां आता है और अपनी वाइफ और बेटे को मरा देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वो एमलेथ से गेट्स ऑफ हिल पर मिलने के लिए कहता है, जो कि एक वोल्केनो के पास है। एमलेथ से लड़ाई के पहले वो अपनी वाइफ और बेटे के लास्ट राइट्स करता है, जिसके बाद एमलेथ और फियनिर में एक कमाल की लड़ाई होती है। दोनों अपनी अपनी ओर से अपनी सारी जान लगा देते हैं, जिस कारण दोनों ही काफी ज्यादा घायल भी हो जाते हैं, पर आखिर में एमलेथ फियनिर को अपनी तलवार से मार देता है और खुद घायल होने के कारण वहीं गिर जाता है। अगले सीन में एमलेथ की जिंदगी की कुछ आखिरी सांसें चल रही होती हैं और तभी वो ओल्गा को देखता है, जो अपने दोनों बच्चों के साथ एमलेथ के पास बैठी होती है। ओल्गा एमलेथ को बताती है कि उसने दो बेटों को जन्म दिया है और दोनों ही सेफ हैं। ये सुनने के बाद एमलेथ की मौत हो जाती है और फिल्म इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इस फिल्म की कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप ऐसी ही फिल्मों की कहानी आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा।